फाइनली सारी शॉपिंग तो हो गई। ये सायरन की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है लड्डू सिंह जी आसपास हैं। हाँ। ये क्या? ये लड्डू सिंह जी को क्या हो गया? जूडी, लड्डू सिंह जी को फॉलो करते हैं। समथिंग इज नॉट राइट। शिवा, लड्डू सिंह के नाक के नीचे से चोर चोरी करके निकलने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शिवा, लड्डू सिंह के नाक के नीचे से चोर चोरी करके निकलने की कोशिश कर रहा है। शिवा, बैंक से चोरी तो मैंने की थी, इसीलिए भाग रहा था। इस तरह मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा, सारे पैसे मेरे और इल्जाम पुलिस पर, है ना मेरा शातिर दिमाग। संतरे! ओ, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? लड्डू सिंह जी, लड्डू सिंह जी, आप ठीक तो है ना? ये कैसे हुआ? लगता है चोर का पीछा करते करते आपकी गाड़ी पलट गई। क्या हो रहा है? कोई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। है क्या? इतना बड़ा बैग है, कैश से भरा। लड्डू सिंह जी, क्या आपने एक्सीडेंट से पहले चोर को पकड़ लिया था? चोर? बैंक से चोरी मैंने की थी, इसीलिए भाग रहा था। क्या? बैंक से चोरी आपने की थी? लड्डू सिंह से ये उम्मीद नहीं थी। पुलिस वाले चोरी करने लगे। ये क्या है? ये कोई अजीब सा बाम लग रहा है या फिर कोई जेल है? इसका स्मेल भी बड़ा अजीब है। प्लीज हट जाइए, मुझे जाने दीजिए, मैं एक डॉक्टर हूँ। बाय द वे, मैं डॉक्टर मैरिंग। ओके। इन्हें जल्दी से मेरे हॉस्पिटल ले चलते हैं, एम्बुलेंस की वेट नहीं करते, मेरे पास कार है। लड्डू सिंह जी के जीप से मिला कैश, चोरी किए गए कैश का सिर्फ 1/3 हिस्सा है। मिसिंग पैसा कहाँ है? कौन था जो लड्डू सिंह जी के साथ काम कर रहा था? क्योंकि सारे सीसीटीवी कैमरास स्विच ऑफ किए गए थे। इन सवालों के जवाब अभी भी एक मिस्ट्री है। शिवा, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन लड्डू सिंह जी ने खुद तुम दोनों के सामने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया है। I'm sorry, लेकिन मुझे उन्हें अरेस्ट करना होगा। वो तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लड्डू सिंह जी को थोड़े दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? अभी तो वो सो रहे हैं, तुम लोग कल उनसे मिल पाओगे। गाइस, लड्डू सिंह जी ने खुद मुझसे कहा कि वो चोर का पीछा कर रहे हैं, एंड आई बिलीव्ड हिम। लेकिन शिवा, वो जिसका पीछा कर रहे थे उसे ना तुमने देखा ना मैंने। आप लोग थक गए होंगे, डॉक्टर सर ने आपके लिए भेजा है। हमारे लिए? मुझे तो बहुत प्यास लगी है। जूस पीते इसकी हालत इतनी खराब क्यों हो गई? इस बाम को लगाकर सर दर्द दूर हो सकता है, बेटा इसे लगा लो। हाँ? ये स्मेल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। दिवा, कल तुम यूडी को लेकर स्टेटमेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन आ जाना। हाँ पेड़ा राम जी।
अरे यूडी, तुम हमसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंच गए। शिवा भी लड्डू सिंह जी के साथ चोरी में शामिल था। यूडी, तुम यहाँ? तुमने तो कहा था तुम हॉस्पिटल जा रहे हो। उडी एक बहुत बहादुर बच्चा है, उसने सच का साथ देने की हिम्मत दिखाई है। कल की चोरी में लड्डू सिंह जी के पार्टनर का पता चल गया है, वो और कोई नहीं बल्कि शिवा है। क्या ये कैसे हो सकता है? शिवा लड्डू सिंह जी के साथ गाड़ी में था जब गाड़ी उल्टी हुई और उसने उडी को वहाँ देखा तो उसने उडी से झूठ बोलने को कहा कि वो शिवा के साथ था ताकि वो पकड़ा ना जाए। शिवा, तुम्हें कुछ कहना है? शिवा, बेड़ा राम जी को बताओ ना, ये सच नहीं है। शिवा बोलो। यूडी की स्टेटमेंट के बेसिस पे शिवा, मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा और मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा। यूडी, हमारे दोस्त शिवा को अरेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारी मेमोरी को क्या हो गया है? ये बात हुई नहीं, फिर तुम क्यों? यूडी डोंट वरी, मुझे पता है ये सब कौन कर रहा है। मेरे पास उनके खिलाफ सबूत है, वो जल्द ही जेल में होगा। लेकिन प्लीज तुम ये बाम यूज मत करना। वेलकम अबॉर्ड, तुम्हारा मैसेज यूडी के मेमोरी के थ्रू मुझ तक पहुंच गया था। बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? प्लान तो सक्सेसफुल है, मुझे पता था कि मेरा मैसेज सुनकर तुम खुद ही चलकर मेरे पास आओगे। सबूत तो तुम खुद हो डॉक्टर मैडिंग। स्मार्ट, लेकिन मैं तुम्हारी स्मार्टनेस को अपने इन्वेंशन के रास्ते में नहीं आने दूंगा। मेरी इन्वेंशन के थ्रू मैं लोगों की मेमोरीज को कंट्रोल कर सकता हूँ और जो चाहूँ हासिल कर सकता हूँ। ओह, तो तुम लड्डू सिंह जी और यूडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? नहीं। लेकिन मुझसे जो भी टकराएगा वो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। मेरा रिसर्च पूरा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी और लड्डू सिंह ने मुझे बैंक से पैसे ले जाते हुए देख लिया, इसलिए मैंने अपने मैग्नेट्रॉन बम से उसकी मेमोरी कंट्रोल करके उसको ही बैंक रॉबरी का चोर बना दिया। मैं चला। प्लेन पर और कोई पैराशूट्स भी नहीं है। बाय बच्चे। क्यों 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 क्यों? हमारी मेमोरी से कबड्डी खेलोगे? You are under arrest. आइडिया।
क्यों ना हम इससे स्कूल टीचर की मेमोरी टेम्पर करवा ले ताकि वो हमेशा के लिए टेस्ट लेना ही भूल जाए।